Hello guys, welcome to my first vlog. So today I will show you a best place to visit in Himachal Pradesh near Chandigarh with a great British history. So let's go. Guys, Dharampur हमने cross कर लिया है और हम आ चुके हैं अभी दक्षाई. तो आप ही मेरे पीछे रास्ता देख सकते हैं. ये सीधा ऊपर दक्षाई की तरफ जा रहा है और ये पीछे है सोलन शिमला हाईवे. तो चलते हैं दक्षाई. तो गाइज ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन हिमाचल की टॉप 5 में से एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, दैट्स दक्षाई ग्रेवयार्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक सारी ही ग्रेव्स हैं और दे ऑल आर फ्रॉम 18th सेंचुरी. जैसे ये भी एक ग्रेव है, ये है आई थिंक 1863 की ग्रेव. तो सबसे पहले जिनको स्टोरी नहीं पता दक्षाई की, तो इसका नाम था पहले दागेशाही. तो मुग़ल टाइम में जो उनके क्रिमिनल्स होते थे, यानी कि दागेशाही, जो शाही दाग थे, तो उनको यहाँ भेजा जाता था. तो उसके बाद ब्रिटिश एरा में यहाँ पे आर्मी कंटेनमेंट बना दिया गया. तो यह देखेंगे तो सभी ये अंग्रेज़ों के ही नाम हैं. यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये होगा सर्जेंट WT G Gordon, तो ये भी एक ब्रिटिशर ही होगा. तो उसके बाद जो सेकंड यहाँ की ग्रेवयार्ड की सबसे फेमस टेल है, वो है कि यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रहता था, मेजर जॉर्ज वेस्टन. तो उसकी बीवी थी साथ में मैरी. तो उनके पास कोई बच्चा नहीं था. तो उस टाइम पे उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही काफ़ी सालों बाद प्रेग्नेंट हुई, बट यू नो शी डाइड इन लेबर इन 8th month. तो उसके हस्बैंड ने इंग्लैंड से मार्बल मंगवा के बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसका कब्र बनवाई थी. तो उसमें संगमरमर लगवाया था, बट किसी तरह कोई मिथ फैला कि अगर उस संगमरमर से आप पत्थर लेके जाओगे तो आपको बच्चे की प्राप्ति होगी. तो लोगों ने वो बिल्कुल डैमेज कर दिया था. तो अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने, आई थिंक अथॉरिटीज़ ने, वो दोबारा रिस्टोर किया है. हम ट्राई करेंगे अगर वो भी आपको दिखा पाए, बट वो रेप्लिका है. जो ओरिजिनल था वो तो टोटली डैमेज हो गया था. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा दूर तक सभी ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं और ये सारी 18th सेंचुरी की ही हैं. 1859, 1849 ऐसे ही हैं सब की सब. तो अभी हम देखते हैं, आगे जाएंगे, जो रेप्लिका उन्होंने दोबारा बनाया है वो आपको दिखाएंगे. तो ये है दक्षाई की ओल्ड जेल, आपको दिखाएंगे अभी अंदर. इस साइड आप देख सकते हैं खाली एरिया है. अभी आपको अंदर से भी दिखाएंगे. ये देख सकते हैं आप फायर हाइड्रेंट जो कि बनाया गया था 1852 में बाय ग्लेनफील्ड वेल्स, जो कि ग्लेनफील्ड एंड को करके कंपनी थी स्कॉटलैंड की. तो आप ये भी देखेंगे तो काफ़ी हैवी है. तो ये है जेल की एंट्रेंस, आप देख सकते हैं. ये सारे जितने भी उनके न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं वो यहाँ पे फ्रेम करा के लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं. ये जेल का ओरिएंटेशन है, आप देख सकते हैं. बैकयार्ड सारे डिटेल्स यहाँ पे होंगी. इवन तो इस जेल में गांधी जी को भी रखा गया था, यू कैन सी इन दिस आर्टिकल जेल. और इसमें टोटल 54 सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं. ये पूरी टी शेप में है और इसका जो फ्लोर है वो वुडन का रखा गया था, ताकि अगर कोई भी कैदी कोई भी एक्टिविटी करता है तो वुडन फ्लोर की आवाज़ से उसका पता चल जाता था जो गार्ड है उसको. देख सकते हैं ये पूरे सेल्स हैं, आपको सेल दिखाते हैं अभी. ये था बस इतना सा ये सेल था, काफ़ी हाइट है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी हाइटेड है. तो इस जेल की एक और खासियत है, हम आपको दिखाएंगे. तो यहाँ की एक और खूबी है, जो स्पेशल बात है वो थी कि कुछ प्रिजनर्स को जो बिहेवियर सही नहीं था तो उनको स्पेशल पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पे रखते थे. तो आप देख सकते हैं कि पीछे भी बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है, गेट आ जाता है, और सामने भी, तो बिल्कुल सिर्फ खड़े रहने की ही जगह है. और एक एक दो दो दिन यहाँ पर रखते थे टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा भी है. तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना मुश्किल रहता होता होगा यहाँ पे खड़े रहना.
एक एक दो दो दिन। यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स के टाइम की पेंटिंग भी लगी है, वो भी आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए इधर भी काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हो। तो दक्षई जो है वो शुरू से ही एक आर्मी कंटोनमेंट जोन रहा है, इवन दो इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट ने इसको कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। तो आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स उनके टाइम के उनके आर्मी जनरल्स कैप्टन्स उनकी फ़ोटोज़, इवन दो उनकी यूनिफॉर्म भी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो सेम ऐसे ही आगे भी है पूरा सेल। तो इसके बाद अब हम आपको लेके जाएंगे दक्षई के म्यूज़ियम में, सो लेट्स गो। तो अभी हम दक्षई के म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करेंगे। एज यू कैन सी ये बहुत ही पुराना सामान है यहाँ पे। यहाँ पे एक मोटर भी है, आई थिंक लिंकन इंग्लैंड। आपको थोड़ा सूम करके दिखाता हूँ, रुस्तम एंड हॉर्न्स बाय लिमिटेड। ये भी काफ़ी पुरानी होगी, मेड इन इंग्लैंड। तो आप देख सकते हैं पुराने तोप के घोले भी पड़े हैं यहाँ पे, और सारा कुछ फोटोज़ वगैरह भी लगा रखे हैं यहाँ पे पुराने। तो ये आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय जॉन सी अनियंस। अभी हम अंदर जाएंगे, सो एज यू कैन सी सारी पुरानी पिक्चर्स यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं 1898 की है ये, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम 1895। हाईलैंडर्स एंड वन थर्ड ग्रेट जी आर एट बैटल ऑफ दरगाही अफगानिस्तान। यू कैन सी काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ पे। ये आप पुराना मैप देख सकते हैं, लाइट्स की वजह से थोड़ा इतना विजिबल नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू शो यू एज मच एज आई कैन। ये आप देख सकते हैं 1949 से 1950 के आर्मी बैचेस ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। ये आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर। ये पुराना रूट है आई थिंक फ्रॉम कराची टू दक्षई। आप इसमें स्पेलिंग देख सकते हैं कराची के, दक्षई के। ओल्ड सिटीज के नाम आप देख सकते हैं लाइक दिस वन इट्स फिरोजपुर, उसके बाद है खून, लुधियाना की स्पेलिंग आप चेक करिए यहाँ पे, कालका। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी थर्ड लोकेशन जो कि सेकेंड ग्रेवियर्ड है, इट्स कॉल्ड न्यू यूरोपियन सिमेट्री। ये आप देख सकते हैं, ये भी है 2 नवंबर 1920 की ग्रेव, और उसके बाद ये है जे मिरांडा किसी की ग्रेव है 2 दिसंबर 1920, जो कि 22 साल की एज में एक्सपायर हो गए थे। ऊपर की तरफ भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हम जिस रेप्लिका ग्रेव की बात कर रहे थे मैरी की, वो फेमस ग्रेव ये है, वो ग्रेव देख सकते हैं आप। ये अभी रेप्लिका रिस्टोर करी है और इस पे ये फेंस भी लगाया है ताकि दोबारा इसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेकिन सी ये सारी ग्रेव्स हैं, इधर भी हैं छोटी, आई थिंक ये किसी बच्चे की ग्रेव होगी। इधर भी है एक, उधर भी काफ़ी लोग हैं जो शूट वगैरह कर रहे हैं। तो ये नया वाला ग्रेवयार्ड है न्यू यूरोपियन सिमेट्री, और जो हम पहले गए थे दैट वाज ओल्ड यूरोपियन सिमेट्री। लेट मी गिव यू अ व्यू फ्रॉम दिस साइड एज वेल। ये देखिए
और पूरा आगे तक सभी ग्रेव्स ही हैं। पर भी आई थिंक कुछ ग्रेव्स हैं, उस साइड भी आप देख सकते हो। इन ग्रेव्स पे जैसे मार्बल वगैरह भी लगा हुआ है, मुझे लगता है ये किसी अमीर बंदे की ग्रेव होगी। और ये आई थिंक लेटेस्ट ही है, 1984, 1985 और 2023, ये तो लास्ट ईयर की ही है।